वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी अप्लाइड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये लेक्चर नंबर वन है। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे डिफिनाइट इंटीग्रेशन, और डिफिनाइट इंटीग्रेशन में स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज करके न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे, और ऐसा वाला न्यूमरिकल आपका एग्जाम में आएगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो कम से कम एज पर द के स्कीम के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे आपके 2 न्यूमरिकल एग्जाम में आएंगे फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन। एकदम सिंपल न्यूमरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला यूज करना है और न्यूमरिकल को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे हमें लिमिट दिया है, लिमिट 0 to a, यहाँ पे आपका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट आप कुछ तो वैल्यू दिया होगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है a, तो लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। सिंपली उन्होंने क्या किया है, देखिए x की जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखा है, a माइनस x, मतलब आपका जो लिमिट है वो लिखा है 0 प्लस a क्या होगा, a, a माइनस x। यहाँ पे क्या लिखा है, x के जगह पे क्या लिखा है, a माइनस x। देखिए अगर दोनों लिमिट आपको दिए होंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या लिखिए, अपर लिमिट भी दिया है लोअर लिमिट भी दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b, देखिए a टू b, x के जगह पे क्या लिखा है, a प्लस बी माइनस एक्स, देखिए दोनों का एडिशन किया है a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे भी एडिशन ही किया है, 0 प्लस a क्या होगा, a ही होगा, 0 प्लस a माइनस एक्स, तो 0 प्लस a तो हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ a लिखते हैं। ये प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है, और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है न्यूमरिकल, प्रॉपर्टीज का न्यूमरिकल है तो यहाँ पे आपका न्यूमरिकल अंडर रूट में होगा। देखिए यहाँ पे एक तो अंडर रूट होगा, नहीं तो यहाँ पे क्यूब रूट होगा, नहीं तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो एकदम सिंपल है। और आपका प्रॉब्लम न्यूमरेटर में भी अंडर रूट है और डिनोमिनेटर भी अंडर रूट है, तो आपको समझना है यहाँ पे आपका न्यूमरिकल कौन सा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन। उठाओ यहाँ पे आपको लिमिट भी दिए होंगे, तो उसका फर्स्ट न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे जो मैकेनिकल ब्रांच के लिए, जो आइस स्कीम का जो लास्ट एग्जाम हुआ था विंटर 23 में आया था, तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको MHBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना है तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पर चैट सेक्शन है, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, एकदम सिंपल न्यूमरिकल है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे अल्फाबेट उन्होंने यूज़ किया है 0 to a, यहाँ पे लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं 0 to 1, 0 to 3, 0 to 4, सिंपली वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट हमें क्या दिया है, गिवन इंटीग्रेशन i लिमिट 0 to a अंडर रूट x डिवाइड बाय अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट x dx, अंडर रूट एक्स डी एक्स हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देन देखिए यहाँ पे हमें लिमिट दिया है 0 to a, देन न्यूमरेटर भी आपका अंडर रूट में और डिनोमिनेटर भी अंडर रूट में, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन। देखिए सिंपली देखिए लिमिट क्या दिया है, 0 to a, मतलब आपका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a दिया है। देखिए 0 to a फंक्शन ऑफ x dx, तो यहाँ पे हमें x के जगह पे क्या यूज़ करना है, फंक्शन ऑफ a माइनस x। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ x के जगह पे क्या यूज़ करना है, a माइनस x dx। देखिए यहाँ पे का इक्वेशन 1 हुआ, तो सिंपली प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन i लिमिट 0 to a x के जगह पे क्या यूज करना है, a माइनस x, देखिए अंडर रूट x के जगह पे क्या यूज करना है, a माइनस x डिवाइड बाय अंडर रूट a आपका वैसे का वैसा माइनस साइन, x के जगह पे क्या यूज करना है, a माइनस x प्लस अगेन x के जगह पे क्या यूज करना है, अंडर रूट वैसे ही रखना है, x के जगह पे क्या लिखना है, a माइनस x बाद में dx, बाद में dx। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू लिमिट 0 to a अंडर रूट a माइनस x
डिवाइड बाय, देखिए इससे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ए माइनस ए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस ए माइनस ए गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या वैल्यू अब का रिमीनिंग रह रहा है एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ पे ए माइनस एक्स आपका वैसे का वैसा, तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, देखिए इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करेंगे तो ये वन का लेफ्ट साइड क्या है, आई आई इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू ए अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स, देन सेकंड, सेकंड का लेफ्ट साइड क्या है आई, यहाँ पे क्या होगा आई प्लस आई, देन यहाँ पे प्लस साइन लिमिट जीरो टू ए, जीरो टू ए यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, आई प्लस आई यहाँ पे क्या होगा टू आई, देखिए आई प्लस आई आपका क्या होगा टू आई, देन देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू है, यहाँ पे देखिए बेस आपका सेम है अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यहाँ पे भी अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस सेम है, डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बेस यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका लिमिट क्या है जीरो टू है, देखिए बेस आपका यहाँ पे सेम है तो एक ही बेस यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट, सिर्फ आगे पीछे हुआ है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट ए माइनस एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स पहले लिखा है देन प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स है, तो ये वाला यूज़ करता हूँ अंडर रूट, जो अभी आपको ये यूज़ करना है, ए वाला भी बेस सेम है, ए वाला दोनों का बेस आपका सेम है, तो देखिए अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ए वाला यूज़ करो तो ए वाला यूज़ करो, बेस आपका सेम है, यहाँ पे डी एक्स आपका वैसे का वैसे, देखिए दोनों का एलसीएम लिया तो एडिशन किया तो इसे भी एडिशन करेंगे अंडर रूट एक्स, न्यूमरेटर को भी ऐड करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो अगर हम ये वाला बेस हम लोग लिखते थे तो यहाँ पे क्या होता था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, देखिए ऐसे लिखा नहीं तो ऐसे लिखा, यहाँ बेस तो आपका सेम है, देखिए यहाँ पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दोनों गेट कैंसिल, तो यहाँ पे दोनों गेट कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे आई प्लस आई क्या होगा टू आई, देखिए टू आई लिमिट ज़ीरो टू ए, टू आई लिमिट ज़ीरो टू ए यहाँ पे दोनों कैंसिल हुए तो यहाँ पे क्या बचेगा वन वन डी एक्स, तो टू आई इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट क्या होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा एक्स, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा एक्स देन लिमिट जीरो टू ए, देखिए जैसे ही इंटीग्रेशन सॉल्व किया यहाँ पे आपको राइट साइड में लिमिट लिखना है लिमिट जीरो टू ए देन टू आई, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू ए वन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है वन नहीं तो कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है एक्स, ऐसे ही सॉल्व करोगे राइट साइड में आपको लिमिट लिखना है जीरो टू ए, देन एक्स के जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, एक्स के जगह पे अपर लिमिट क्या आएगा ए देन माइनस साइन, देन एक्स के जगह पे लोअर लिमिट आएगा जीरो, देखिए सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है एक्स के जगह पे ए देन माइनस साइन, देन एक्स के जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है जीरो, टू आई इज इक्वल टू ए माइनस जीरो क्या होगा ए, तो यहाँ पे आई का आंसर आ रहा है ए बाय टू, देखो टू को मल्टीप्लाई किया तो आपको सेम इक्वेशन मिल रहा है,
तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ए बाय टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ए बाय टू। देखिए तो सिंपल न्यूमेरिकल है, हर बार आपको यही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे ए के बदले वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, सिर्फ आपको वही चेंज करना है। यहाँ पे वैल्यू सिर्फ चेंज होगा, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, देन सेकेंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ क्या बोला गया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3। देखिए ए और बी के बदले यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे वो नंबर यूज़ किए गए 1 और 3। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 3 क्यूब रूट एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय क्यूब रूट एक्स प्लस फाइव प्लस क्यूब रूट 9 - x dx। तो देखिए यहाँ पे आपका डिफिनाइट इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमें लिमिट दिया गया है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे जो कि अंडर रूट में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, सबसे पहले गिवन लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3, तो यहाँ पे क्यूब रूट एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय क्यूब रूट एक्स प्लस फाइव प्लस क्यूब रूट 9 - x dx। देखिए आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। देन यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखिए यूजिंग प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b फंक्शन ऑफ x के बदले क्या लिखना है, a प्लस b माइनस x dx। देखिए यहाँ पे हमें लिमिट क्या दिया, उन्होंने 1 to 3 दिया है, 1 to 3 फंक्शन ऑफ 1 + 3 - x dx। तो यहाँ पे देखिए 1 + 3 कितना होगा, 4। तो यहाँ पे हमें कितना दिखना है, 4 - x, कितना दिखना है, 4 - x, एकदम सिंपल है। देखिए a प्लस बी माइनस है, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 3, 1 + 3 कितना होगा, 4 - x। मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है x के बदले, देखिए यहाँ पे हमें x के बदले क्या लिखना है, a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज, x के बदले क्या लिखना है, 4 - x। तो वैल्यू पुट अप करेंगे इक्वेशन 1 में, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 3 क्यूब रूट, देखिए x के बदले हमें क्या लिखना है, 4 - x, x के बदले क्या लिखेंगे, 4 - x + 5 देन डिवाइड बाय क्यूब रूट, x के बदले क्या लिखना है, 4 - x + 5 देन प्लस क्यूब रूट 9 - x के बदले क्या लिखना है, 4 - x dx। इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3, देखिए क्यूब रूट, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे, 5 + 4 कितना होगा, 9, यहाँ पे क्या आएगा, 9 - x, देन अगेन क्यूब रूट 5 + 4 कितना होगा, 9, यहाँ पे 9 - x ही आएगा, एंड प्लस साइन अगेन क्यूब रूट। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 9 - 4 - x, तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा, -9 - 4, -माइनस क्या होगा, +x, 9 - 4 आपका कितना आता है, 5 + x, 9 - 4 कितना होगा, 5, तो कितना यहाँ पे आ रहा है आपका, 5 + x, 5 + x लिख सकते, नहीं तो x + 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 5 ऐसे लिख रहा dx। देन देखिए यहाँ पे इक्वेशन को ऐड करेंगे, आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते से वैल्यू चेंज होंगे शायद। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2,
इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करेंगे। देखिए इक्वेशन वन क्या आपका आई इज इक्वल टू लिमिट वन टू थ्री क्यूब रूट एक्स प्लस फाइव क्यूब रूट एक्स प्लस फाइव प्लस नाइन माइनस एक्स डी एक्स प्लस। देखिए एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, अतः वन का लेफ्ट साइड और राइट साइड, देन सेकंड का लेफ्ट साइड क्या है आई, यहाँ पे क्या होगा आई प्लस आई, देन राइट साइड क्या आपका वन टू थ्री नाइन माइनस एक्स डिवाइड बाय अगेन नाइन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव डी एक्स। देखिए दोनों का यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगेन यहाँ पे बेस, देखो ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम में आपके यही आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे आपका बेस सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पे भी नाइन माइनस एक्स एक्स प्लस फाइव है, यहाँ पे भी नाइन माइनस था एक्स प्लस फाइव, मतलब बेस आपका सेम है। देखिए यहाँ पे आई प्लस आई क्या होगा टू आई, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ लिमिट वन टू थ्री, तो बेस देखिए आपका एक ही बेस लिखता हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम आपका सेम है, तो एक्स प्लस फाइव प्लस नाइन माइनस एक्स। देखिए आपका बेस आपका सेम है, तो एक ही बेस यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दोनों के बीच में क्या एडिशन है, तो एडिशन करेंगे, न्यूमरेटर में क्या आपका एडिशन है, देखिए यहाँ पे एडिशन है, तो एक्स प्लस फाइव नाइन माइनस एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट वन टू थ्री, देखिए यहाँ पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, यहाँ पे गेट कैंसिल होंगे, सभी प्रॉब्लम में ऐसा ही सिचुएशन होगा, हर बार कैंसिल ही होगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है वन वन डी एक्स, तो टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एनी क्वेश्चन क्या होता है एक्स, तो एक्स जैसे ही इंटीग्रेशन यूज करेंगे यहाँ पे राइट साइड में लिमिट निकला है वन टू थ्री, देन टू आई इज इक्वल टू एक्स के जगह पे अपर लिमिट थ्री देन माइनस साइन, एक्स के जगह पे लोअर लिमिट वन, तो टू आई इज इक्वल टू थ्री माइनस वन कितना होगा टू, तो आई का वैल्यू आपका है टू बाय टू, आई इज इक्वल टू वन, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू वन, एकदम सिंपल है। देखिए हर न्यूमेरिकल में आपका ऐसा ही कंडीशन होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल ही होंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या होंगे आपके वैल्यू चेंज होंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, यानी ए माइनस एक्स वाला भी कंडीशन यूज किया और ए प्लस बी माइनस एक्स वाला भी कंडीशन यूज किया है, तो इस आंसर को नोट डाउन कीजिए, अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।